अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय टुडेज वीडियो। यार इतने ज्यादा दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, बस बिजी बिजी बच्चों के साथ, घर के साथ। फिर जनाब मेरे पास क्लाइंट आई थी निकाह ब्राइडल की, ये बहुत ही खूबसूरत मैंने इनको आई मेकअप किया था, साथ में खाइस बाय एनके का नाजली शेड उनको लिप शेड लगाया था जो उनके ड्रेस के साथ बहुत ही ज्यादा प्रिटी और हसीन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, जनाब ड्रेस बहुत ही माशाल्लाह प्यारा था, बहुत ज्यादा लिबर्टी से उन्होंने लिया था, ठीक है। फर्शी दो टांगों वाला जो शरारा होता है ना, बहुत ज्यादा घेर वाला था। तो जो आई मेकअप मैंने अपनी ब्राइड को किया था वो मुझे बहुत ज्यादा अपना ही मेकअप अच्छा लग रहा था, बड़ा ही ईजी से था। लेकिन आजकल जैसे ग्लिटरी मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है ना, और माशाल्लाह वो रियल में भी बहुत प्रेटी लग रही थी। तो मैंने सोचा उस टाइम पे तो टाइम नहीं था क्रिएट करूं, तो अपनी आईज पर मैंने ये आई मेकअप क्रिएट किया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कैसे मतलब ईजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी कद्दू जैसी शक्ल को एक हसीन शक्ल बना सकते। ये देखें जनाब, मैंने ना मॉर्निंग में फटाफट उठ के बच्चों को स्कूल भेजते ये वीडियो स्टार्ट कर दी थी, तो मेरी आई से पफिनेस बहुत ज्यादा हुआ है। इसका ना मैंने ट्रांजिशन इंस्टाग्राम पे लगाया था, आप लोगों ने उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लेंस लगा लूंगी क्योंकि मेरी आंखें काफी बेटर हो चुकी हैं। जब मैंने आई मेकअप दोबारा से स्टार्ट किया था ना, तो मेरी आंखों में लेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन आजकल रात में मैं हर रोज सुरमा लगा के सोती हूँ, हाशमी सुरमा नहीं होता वो मैं लगा के सोती हूँ, तो माशाल्लाह मेरी आईज में काफी बेटर हो गई हैं। अच्छा जी, लेंस मैंने TDDI के लगाए हैं, ठीक है, और शेड नेम मैं सॉरी भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, कोई हसीन है ना। सबसे पहले हम ब्राउज को फिल कर लेंगे, ठीक है। ब्राउज के लिए मैं APK का ये ब्राउन वाला जेल लाइनर ले रही हूँ, और एक छोटा सा एंगल ब्रश लूंगी। और मुझे ना कमेंट आया हुआ था, आप तो मेकअप के बगैर तो ड्राउनी हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, तो भाई क्या हो गया, मेरा रियल शक्ल है और मैं सो के उठी हूँ, सो के उठे ना सबकी शक्लें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से पहले ब्राउज को फिल कर लेंगे। और हाँ, एक और कमेंट आया था, मेकअप तो आपने बहुत अच्छा किया लेकिन सेंटर से ना ब्राउज ज्यादा मैच कर दी है, इसलिए ये अरेबिक थोड़ा सा स्टाइल है, ये अगर क्लाइंट्स को पसंद होता है तो मैं ऐसा करती हूँ, नहीं तो नहीं करती, ठीक है। और ये अपनी ब्राउज में ऐसे ही फिल करती हूँ, मुझे जरा अच्छी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से शशके और ऐड करने के लिए थोड़ा सा नेचुरलिज्म, आप लोगों ने ब्लैक जेल लाइनर लेना है और हल्के छोटे 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 स्ट्रोक्स के साथ आपने ब्राउज को ऐसे ड्रॉ सा कर देना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर अपनी एजेस पर, ठीक है। फिर स्पूली के साथ आपने इस तरह से कॉम्ब कर लेना है। बाकी अब मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर, यहाँ पर अफोर्डेबल वाले 150 रुपए के ये पॉट्स हैं, ठीक है। एक तो बिल्कुल लाइट शेड में है और एक येलो मीडियम शेड में है, तो मैं मीडियम शेड लेती हूँ एज ए कंसीलर के सिलेट्स पे अप्लाई करूंगी, ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने इशा के अफोर्डेबल शॉप से लिए थे और आपसे पहले भी एक वीडियो में शेयर किया जो 11 दिन पहले लगाई थी, सॉरी गाइज, वेरी वेरी सॉरी यार। वीडियो शूट हो जाती है, फिर उसको एडिट करो, उसको वॉइस ओवर करो, एक्चुअली 3 बच्चे हैं, घर संभालना होता है, घर बाहर के काम करने होते हैं, बच्चे माशाल्लाह से बड़े दो स्कूल जाते हैं, छोटू मेरा फ्रेंड है, इतना टफ हो जाता है, मुझे इतना टफ हो जाता है ना वीडियो शूट करके उसको एडिट करना। लेकिन अभी छोटू बस दुआ करें जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट हो, स्कूल जाना स्टार्ट हो, तो मेरी थोड़ी सी रूटीन ना वापस काबू आ जाएगी। अच्छा, मैंने ये अच्छे से कंसीलर जो है सेट कर लिया, इसको अब लूज पाउडर से सेट करते हैं। मिस रोज का मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, मैंने जब लूज पाउडर की वीडियो बनाई थी ना आप लोगों को, उसमें बताया था कि मिस रोज का जो लूज पाउडर ना पानी में इतना ज्यादा स्टे नहीं करता, ये इतना वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो मेरी तरफ से ना ये वाला वैसे प्रोडक्ट बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, मिस रोज का लूज पाउडर आप ना ही लो। फिनिशिंग अच्छी है, नो डाउट ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं हुदा ब्यूटी का ये पैलेट यूज कर रही हूँ, आप लोगों ने कोई सा भी लाइट कलर का पैलेट लेना, मैंने अपनी ब्राइड पे भी यही पैलेट यूज किया था, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीजें मैंने ब्राइड पे लगाई थी ना सेम एज इट इज डिटो कॉपी वही मेकअप क्रिएट करूं, ठीक है। उनका तो मैं ट्यूटोरियल नहीं बना सकी थी, तो मैंने सोचा अपने पे तो बन जाएगा, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, और हाँ थोड़ी सी आपसे गप्पे शप्पे भी लग जाएंगी। मुझे ना उनका निकाह मेकअप करते हुए अपना निकाह याद आया यार, मेरा क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, सब लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आए, ठीक है। प्यारी प्यारी निकाह पे तैयार हो, आप लोग अपनी शादी के इवेंट को बहुत ज्यादा इंजॉय किया करो। मैं तो अजीब खोता था, छोटी थी बहुत और फैमिली में ऐसा कोई सीन ही नहीं था, कोई मैंने अपनी शादी इंजॉय नहीं की हुई, कोई मेरा इवेंट नहीं हुआ, कुछ कट्टे का नहीं हुआ वहाँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको आई मेकअप बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो मैंने शेड्स मिक्स किए थे क्योंकि जो ब्राइड का ड्रेस था ना वो बहुत खूबसूरत ब्राउन कॉपर से शेड में था, तो मुझे ना ऐसा एग्जैक्ट शेड चाहिए था, तो मैंने दो मेटेलिक शेड्स को मिक्स करके ना लिड के साथ लगाया, सॉरी फिंगर के साथ लिड्स पे लगा रही हूँ, ठीक है। मैट शेड आपने लिड उसमें क्रीज में लगाना है, मेटेलिक शेड पूरे लिड पे लगा लेना है। अच्छा, मैं आपको अपने निकाह की स्टोरी सुना रही थी,
तो वैसे आज मैं अपने ये वाला मेकअप करके ना अपने निकाह की जो कसर थी ना वो पूरी कर रही हूँ। अच्छा हुआ ये कि इतना सिंपल मेरा निकाह था, आप लोग यकीन को नहीं आएगा, मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे ग्लिटर्स मैं यूज कर रही हूँ रिवाज के, बहुत ही ज्यादा प्रिटी और बहुत ही ज्यादा हसीन, बट हसीन हसीन लगने खा निकल आई थी सॉरी। अच्छा क्राइलोन का सीलर यूज करूंगी और ये बहुत ही प्यारे ग्लिटर है और कॉपर सा शेड है, मैंने ब्राइड को भी यही लगाया था, एकदम उनकी आंखों पे बहुत ही उठकर आ रहा था ना, ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अच्छा ये थोड़े से एक्सपेंसिव वाले हैं ठीक है, रिवाज के हैं ये। मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मेरा निकाह ना शादी से पहले हुआ था और निकाह क्या हुआ था कुछ भी नहीं, बस पापा ना वो पेपर्स नहीं होते वो साइन करवाने आए, मामा मेरी बैठ के कपड़े धो रही थी, पापा ने मुझे आके कहा ये बेटा इस पर साइन कर दो, पहले मुझे गुस्सा, मैंने कहा पापा ये क्या, कहते नहीं आप इस पर बस साइन कर दो। मेरी अम्मा कपड़े धोती नहीं, वो उठ के लाइक वही मेरे पास नहीं आया, मैंने भी पापा से पेन पकड़ा, मैंने उस पर साइन किया, मैंने कहा ये ले पापा ये जा वो जा, लाइक ये मेरा निकाह हुआ था। और बाकी जो मर्दों का होता है वो लाइक मस्जिद में कुछ भी इस तरह से ना, ये इतनी बैड मेमोरी है मेरे निकाह के लिए। खैर चलो अल्लाह ताला बाकी सब लड़कियों के ना नसीब अच्छे करें, सब ब्राइड्स के और आप लोगों के अच्छे अच्छे रिश्ते आए और आप सारे ब्राइड बनने मेरे पास आना ठीक है, मैं आप लोगों के सारे अरमान पूरे करूंगी, सारा प्यारा प्यार आप लोगों को तैयार करूंगी, अपने सारे इवेंट्स को ना रज के इंजॉय किया करो, खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे तैयार होना मेरे से ठीक है। अच्छा ब्राइडल मेकअप आप लोग पार्टी मेकअप मेरे से करवा सकते हो, बुकिंग जनाब और स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन आपने बुकिंग करवानी है, व्हाट्सअप नंबर नीचे ऊपर स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और नीचे भी। आई मेकअप फटाफट भागता जा रहा है, मैंने ग्लिटर्स लगा लिए थे ठीक है, लोअर लैश लाइन पर लगाया, अब हम लगाते हैं लाइनर, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट लाइनर है और यह है वेट एंड वाइल्ड का और स्पेशली मैं ब्राइड्स के लिए लेकर आई थी जाकर, और ये मैंने vegas.pk से लिया हुआ है ना। ग्लिटर्स के ऊपर ना आपने लिक्विड लाइनर लगाना होता है ताकि इजीली और नाइसली और स्मूथली उसकी एप्लीकेशन रहे और आपका ग्लिटर बहुत ज्यादा फाइन रहे। और मैंने लाइनर बिल्कुल भी उनको लंबा सा नहीं लगाया था, बिल्कुल छोटू सा लगाया था ठीक है, और इनर कॉर्नर उनके नहीं बनाए थे लेकिन मैं अपने यहाँ पर थोड़े से बना रही हूँ, जो इनर साइड से विंग है ना वो जरा अच्छा लगता है मेरी आंखों पर, क्योंकि ग्लिटर्स आपके ज्यादा प्रोमिनेंट रहे, वो नंबर वन पर रहे आपकी आंख, बाकी मेकअप जो है ना ओवरऑल ग्लिटरी सा रहे लेकिन सॉफ्ट लुक रहे। तो यहाँ पे लाइनर मेरा लग गया, ये ना कैमरे पे बिल्कुल भी इतना प्रेटे नहीं आ रहा, मैं जब रियल में अपने आपको डायरेक्ट मिरर में देख रही थी ना, ओ माय गॉड, मैं अपने आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रही थी लेकिन माशाल्लाह मेरी ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा वो मेरी रेगुलर क्लाइंट है, आप लोग भी ना मेरे से रेगुलर क्लाइंट बन जाओ, आप लोग हैप्पी हो जाओगे मेरे से मेकअप करा के ना ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्वीट टच के लैशेज मैंने लगा रही हूँ, नहीं स्वीट टच का ग्लू लिया है और ये लैश ना मुझे एक पेज ने भेजी थी ठीक है, ऑनलाइन मुझे एक पीआर में आया था, तो बहुत ही लाइट वेट और बहुत प्रिटी है, थोड़ा सा मैं वेट करूंगी और इसको मैं लगा लूंगी यहाँ पर। आप लोग बुकिंग करवा लेना ठीक है मेकअप की, अगर आप मेरा लोकेशन लाहौर की है ठीक है, तो यहाँ पे लैशेज हमारी लग जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा आप लोग ना व्यूज मुझे फिर भी आना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक 4000 आ जाते हैं 5000 आ जाते हैं लेकिन लाइक्स इतने कम आते हैं, फिर मेरा दिल बहुत सैड होता है, ये 4-5 हजार अगर लाइक का बटन प्रेस कर देना कितने ज्यादा लाइक्स हो जाए। आप सारे ना टारगेट है यार 1000 लाइक मेरे इस एफर्ट को, इस वीडियो को, इस आई मेकअप को आप लोगों ने देने हैं, तो फिर ही मैं आप लोगों के लिए और मजे मजे के लुक्स क्रिएट करूंगी ठीक है। अच्छा मेरी क्लाइंट को ना ब्राइड को वाटर लाइन पर ब्लैक जेल लाइनर चाहिए था, तो मैं वही लगा रही हूँ जो बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है, और उनके लेंसेज भी ना ऑलमोस्ट मेरे लेंस के साथ सेम थे, इसी वजह से ना मेकअप ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे बस काजल भी लग गया है और हम थोड़ा सा बाल शाल बना लेते हैं प्यारे से करके, बालों की मैंने थोड़ी ज्यादा ही कोई कटिंग करवा ली थी, लेकिन खैर इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे और मेरी एक्ने भी बस साथ साथ चल रही है। आप लोग दुआ कर दीजिएगा, व्लॉग चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, लुक आप क्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड भी कर सकते हो। ये सामने मैंने मिरर में इसका वीडियो बनाया है, देखिए थोड़ा सा मिरर में ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, रियल में इससे भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय गाइस। हाँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, व्लॉग चैनल पे, ज़ैन नुमान ऑफिशियल पे, सब जगह पे मुझे फॉलो कर लेना, बाय गाइस।